नमस्कार जय हिंद डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ विकास सर, दिस इज योर बायोलॉजी क्लास फॉर 10th स्टैंडर्ड। गाइस, टुडे आवर बायोलॉजी क्लास टॉपिक इज रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। गाइस, आज की इस क्लास में हम जानेंगे कि किस प्रकार से यदि कोई ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी कट हो जाती है या फ्रेगमेंट हो जाती है, वो डिवाइड हो जाती है पार्ट्स के अंदर, तो किस प्रकार उनकी बॉडी पार्ट से कट जो बॉडी पार्ट्स होती हैं उनसे नए ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस होते हैं। सो गाइस, बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो हमारी आज की है। सो वीडियो को स्किप नहीं करना है, फुल वीडियो आपको देखनी है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर टुडे क्लास। गाइस, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, दीज आर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड एज वी नो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैविंग सिक्स मेन टाइप, एंड फर्स्ट थ्री टाइप वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन अवर प्रीवियस क्लास। जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें तीन जो टाइप थी उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फिजन है, बडिंग है एंड स्पोर फॉर्मेशन है। ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। यदि गाइस आप लोगों को इनके विषय में, ये जो लास्ट थ्री टाइप्स इसकी हैं, अगर इनके विषय में अच्छे से जानना है तो आप लोग हमारी जो लास्ट वीडियो थी, फुल वीडियो ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको कंप्लीट एक बार देखें, और फिर हमारी ये जो वीडियो है आज की इसको देखें, आपको अच्छे से जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा सब कुछ। ओके गाइस, लेट मी स्टार्ट आवर टुडे क्लास। गाइस, रीजनरेशन, जैसे नाम से इसमें पता लग रहा है, रीजनरेट मीन जो ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी जो बॉडी है वो यदि कट जाती है तो उसके बाद जो नया ऑर्गेनिजम्स होता है उसकी कट बॉडी पार्ट से वो रिप्रोड्यूस हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं रीजनरेशन। मीन्स द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक अ फुल ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। तो ये हमारे पास रीजनरेशन का एक प्रोसेस होता है। सो हम इसके अंदर डिफाइन कर लेते हैं रीजनरेशन को। रीजनरेशन रीजन व्हाट इज रीजनरेशन द प्रोसेस ऑफ getting back of full new organism from its body part। It is take place in simple multicellular organism। Organisms found in fresh water pond and slow moving stream। For example, ऐसे किस में टेक प्लेस होता है उसके एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो रीजनरेशन है ये जनरली प्लैनेरिया एंड हाइड्रा के अंदर रीजनरेशन टेक प्लेस होता है। कैसे इस प्रोसेस में रीजनरेशन में जो प्रोसेस इसमें क्या होता है कि जो प्लैनेरिया होता है इसका जो बॉडी पार्ट्स है वो एक्सीडेंटली नॉट ऑन मैच्योरिटी एक्सीडेंटली क्या होता है इसकी जो बॉडी पार्ट्स होता है वो कट हो जाता है। जितने भी पीस के अंदर अब ये प्लैनेरिया के बॉडी पार्ट्स कट होंगे उतने ही नए प्लैनेरिया डॉट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसके अंदर बन जाते हैं, रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये हमारे पास एक प्रोसेस है रीजनरेशन का।
सिमिलरली हाइड्रा के अंदर, हाइड्रा जो होता है इसका जब बॉडी पार्ट कट हो जाता है टू पार्ट्स के अंदर, तो उसके बाद टू न्यू डॉटर जो ऑर्गन्स होंगे वो इन दोनों कट पार्ट से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, ये हम क्या कहते हैं इसको, रीजनरेशन। लेकिन गाइस जो एक्चुअली जो रीजनरेशन होता है इट इज नॉट कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन, इसको हम रिप्रोडक्शन की कैटेगरी के अंदर नहीं डालते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो ये रीजनरेशन जो प्रोसेस होता है ये एक एक्सीडेंटली कट के कारण होता है, ऐसा नहीं है कि इनके जब सेल, ये जो ऑर्गन्स है इनके सेल जब मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली कट हो जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इनके जो सेल होते हैं ये एक्सीडेंटली बाई चांस कट होते हैं और उसके बाद नए ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस होते हैं। इट मीन्स यदि इनके बॉडी पार्ट्स में कोई कट नहीं हुआ, अगर बॉडी पार्ट्स कट नहीं होती हैं इसका मतलब ये नए ऑर्गन्स को रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, और यदि रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे इट मीन्स इनके जो स्पीसीज होते हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। जैसे हाइड्रा है, हाइड्रा में यदि कट नहीं हुआ बॉडी पार्ट्स के अंदर ये तो एक्सीडेंटली होता है, बाय चांस यदि इसमें कट नहीं हुआ, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल प्रोसेस नहीं था जिसके कारण इसके बॉडी में कट हो, तो ये क्या होगा गाइस, ये रिप्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, और जब हाइड्रा रिप्रोड्यूस नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा, जो हाइड्रा की जो स्पीसीज है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। सो इसलिए हम इसको ये कहते हैं जो प्लेनेरिया है वो जो रीजनरेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस हो रहा है एक्चुअल में ये रिप्रोडक्शन नहीं कहलाता। गाइस इसमें एक्चुअली क्या होता है कि ये जब प्लेनेरिया की जब बॉडी पार्ट्स कट हो जाती है तो बॉडी पार्ट्स कट होने से इसके पास इसकी जो बॉडी होती है इसमें स्पेशल सेल होते हैं, और जो इसमें कुछ स्पेशल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को लगातार डिवाइड होना, डिवाइड करना स्टार्ट कर देते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं जैसे बॉडी कट हो जाती है, और जैसे ही वो अपने आप को रैपिडली डिवाइड करते चले जाते हैं तो उसके बाद एक बॉल ऑफ सेल्स इसके अंदर बन जाती है, और जो बॉल ऑफ सेल इसमें बन जाती है प्लेन एरिया के अंदर, डॉटर जो प्लेन एरिया बन रहा है कट बॉडी पार्ट्स के अंदर, उसके बाद वो जो बॉल ऑफ सेल है उसके अंदर जो सेल होते हैं वो अपने आप को लगातार डिवाइड करते चले जाते हैं और अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में अरेंज कर लेते हैं कि वो जो प्लेनेरिया है उसके जो लॉस्ट पार्ट थे उसके ऑर्गन्स ये फॉर्म कर देता है, और इस प्रकार से जो नया प्लेनेरिया होता है वो रीजनरेट हो जाता है, और ये सब होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये केवल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कारण ही पॉसिबल हो पाता है, इट इज नॉट टेक प्लेस बाय रिप्रोडक्शन। ओके गाइस, तो हम इसको नहीं बोलते हैं रीजनरेशन को, रिप्रोडक्शन नहीं बोलते हैं, क्योंकि यदि इसमें बॉडी पार्ट्स में कट नहीं होता है तो नया ऑर्गन्स पैदा नहीं होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। ओके गाइस, तो हम इसके अंदर जान लेते हैं कि जो प्लेनेरिया है उसमें किस प्रकार से रीजनरेशन का प्रोसेस टेक प्लेस होता है। इन प्लेनेरिया सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो प्लेन एरिया है वो क्या है। सो प्लेन एरिया इज अ प्लेटफॉर्म फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड, फ्रेश वाटर पॉन्ड and slow moving stream। भाई जो प्लेनेरिया होता है उसको हम फ्लैटफॉर्म बोलते हैं। फ्लैटफॉर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो प्लेनेरिया होता है वो फाइलम की कैटेगरी में आता है, और इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो हमारे पास प्लेंटी हेलमिंथेस होता है। यहाँ पर प्लेंटीज मीन होता है फ्लैट एंड हेल मीन्स होता है वॉर्म्स, मीन्स इसलिए जो प्लेनेरिया है उसको फ्लैट वॉर्म्स इसके अंदर बोला जाता है, और फ्लैट वॉर्म का साइंटिफिक नेम हमने बोला है वो क्या बोला है, प्लेटी हेलमिंथेस। ओके गाइस, अब इसके अंदर हम आगे पढ़ते हैं ये कहाँ पर मिलता है, ये फ्रेश वाटर के अंदर और स्लो मूविंग जो स्ट्रीम होती है उसके अंदर पाया जाता है। Somehow, its body get cut and
cut into number of pieces, and all pieces grow to regenerate new full daughter planaria. इस प्रकार से जैसे इसकी बॉडी कट पार्ट होती है उसमें जितने भी नंबर ऑफ पीस के अंदर एक कट होती है उतने ही जो मेज और प्लेनेरिया है वो इसके अंदर बन जाते हैं. प्लीज अंडेट न्यू फुल ऑर्गेनिज्म नए जो फुल ऑर्गेनिज्म्स है वो इसके अंदर बन जाते हैं. ओके गाइस, जैसे इसमें इसका जो प्रोसेस है किस प्रकार से इसके अंदर टेक प्लेस होता है. सो देखिए इसके अंदर ये एक प्लेनेरिया का स्ट्रक्चर है. सो गाइस क्या होता है बाय चांस एक्सीडेंटली इसकी जो बॉडी होती है वो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाती है. जैसे ये थ्री पार्ट्स में जैसे ये डिवाइड होती है तो देखिएगा इस किस प्रकार से तीन पार्ट्स इसके अंदर ग्रो कर जाती हैं. नेक्स्ट ये इसका जो मिडल पार्ट है मिडल पार्ट इसके अंदर बन जाता है. एंड ये इसका जो टेल पार्ट है टेल पार्ट इसके अंदर बन जाता है. तो गाइस जो प्लेनेरिया है वो थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है और जो प्लेनेरिया है इनके सभी पार्ट्स के अंदर एक स्पेशल सेल होता है और इसमें जो स्पेशल सेल होता है वो क्या करेगा अब वो अपने आप को डिवाइड करना स्टार्ट कर देगा. जैसे ही इसके अंदर कट होते हैं तुरंत अपने आप को क्या करेंगे वो रैपिडली डिवाइड करेंगे और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो वो अपनी स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं अपनी साइज को चेंज करते हैं और जैसे वो स्ट्रक्चर साइज को चेंज करती है तो ये जो अपर पार्ट है ये इसके अंदर ऐसी एबिलिटी आ जाती है इसके सेल के पास कि वो नीचे के जो लॉस्ट पार्ट है उसको रिजनरेट कर लेती है. इसी प्रकार जो मिडल पार्ट है इसके जो स्पेशलाइज सेल है वो स्पेशलाइज सेल क्या करेंगे इसका जो अपर पार्ट है इसका जो लोअर पार्ट है वो इन दोनों पार्ट्स को ये रिजनरेट कर लेगा. इस प्रकार से कि फुली प्लेनेरिया इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा. इसी प्रकार से जो ये टेल पार्ट है जो लोअर पार्ट है इसके जो स्पेशलाइज सेल है ये इसको अलाउ करेगा इसको एनेबल करेगा किस लिए कि ये जो इसका अपर जो पार्ट लॉस्ट हो गया था उसको दोबारा से रिजनरेट कर लेता है. ओके गाइस, इस प्रकार से जो ये हमारे पास प्लेनेरिया के जो तीन कट पार्ट है इनसे नए जो प्लेनेरिया है वो इसमें रिजनरेट हो जाते हैं. ये वाला पार्ट इससे बन गया है. नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा लेकिन ये पार्ट बन जाएगा एंड थर्ड वन इससे बन जाएगा. तो इस प्रकार से जो प्लेनेरिया है वो रीजनरेट हो जाता है. और अभी हमने आपको बताया कि जो रीजनरेशन होता है इसमें जो कट पार्ट होते हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी के वो एक्सीडेंटली होने वाला प्रोसेस होता है.
गाइस अभी तो ये तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड हुआ है और तीन नए प्लेनेरिया इसके अंदर रीजनरेट हो गए हैं। यदि ये 300 पार्ट्स के अंदर अगर डिवाइड होता है तो 300 न्यू प्लेनेरिया ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस हो जाएंगे, रीजनरेट हो जाएंगे। ओके, तो ये सब प्रोसेस हमारे पास होता है रीजनरेशन का, कि किस प्रकार से एक ऑर्गन्स के कट बॉडी पार्ट से नए फुली ऑर्गन्स इसके अंदर रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। सिमिलरली जो हाइड्रा होता है उसके अंदर भी ऐसे ही होता है कि हाइड्रा की जो बॉडी होती है वो कट हो जाती है और जितने भी पार्ट्स के अंदर वो कट होती है उतने ही नए हाइड्रा ऑर्गन्स रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ओके गाइस, अब नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो आती है फ्रेगमेंटेशन। अब हम फ्रेगमेंटेशन के विषय में जान लेते हैं कि भाई फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। फ्रेगमेंटेशन गाइस, जो ऑर्गन्स होता है उसकी जो बॉडी होती है उसके मैनी फ्रेगमेंट्स उसके अंदर बन जाते हैं और जितने भी फ्रेगमेंट उसके अंदर बनते हैं वो सभी एक नए ऑर्गन्स के रूप में रिप्रोड्यूस अपने आप को कर लेते हैं। और इस देखिए गाइस, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर फ्रेगमेंटेशन के विषय में। तो फ्रेगमेंटेशन में हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप ऑफ body of simple multicellular organisms and each part grow to form new organism. Is called fragmentation. ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है। इट इज टेक प्लेस इन मल्टीसेलुलर इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स found in fresh water ponds, lake and slow moving streams. For example, spirogyra, and sea anemone. वैसे फ्रेगमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है इसमें जो ऑर्गन्स होता है उसकी जो बॉडी पार्ट्स क्या होती है डिवाइड हो जाती है ऑन मैच्योरिंग। जब फ्रेगमेंटेशन के प्रोसेस के अंदर जब बॉडी पार्ट्स मैच्योर हो जाती है, जब सेल मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद वो फ्रेगमेंट उनमें हो जाता है, उनके जो सेल होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं अपने आप ऑटोमेटिक। और जैसे वो मैच्योर होने पर सेल डिवाइड होते हैं तो उसके बाद जितने पार्ट्स के अंदर वो फ्रेगमेंट होते हैं डिवाइड होते हैं उतने ही नए जो ऑर्गेनिजम्स है वो रिप्रोड्यूस हो जाता है। और गाइस ये सिंपल मल्टीसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स है वो चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो उनके अंदर ही टेक प्लेस होता है। जैसे हम बात करते हैं स्पायरोगायरा, ये हमारे पास एक ब्लू ग्रीन जो एल्गी होती है उसका ये प्लांट है।
नेक्स्ट सी एनिमल, एक प्रकार के एनिमल हमारे पास है। तो ये प्लांट और एनिमल जो सिंपल मल्टी सेलुलर प्लांट और एनिमल होती हैं उनके अंदर ये टेक प्लेस होता है। तो गाइस इसमें ये किस प्रकार से होता है, सो हम जो स्पायरोगायरा है इसकी स्ट्रक्चर के से हम इसको समझते हैं किस प्रकार से टेक प्लेस होता है। तो स्पायरोगायरा इज अ सिंपल मल्टी सेलुलर ग्रीन एल्गा प्लांट फाउंड इन फ्रेश वाटर पॉन्ड। फ्रेश वाटर पॉन्ड के अंदर जो स्पाइरो वगैरह है वो पाया जाता है। समहाउ ऑन मैच्योरिंग एज इट्स बॉडी गेट कट, इट्स बॉडी गेट कट इंटू मैनी नंबर ऑफ पीसीस। जब बहुत से भागों के अंदर इसकी जो बॉडी है वो डिवाइड हो जाती है तो प्रत्येक जो कट पार्ट थे, प्रत्येक जो फ्रेगमेंट थे उनसे जो नया स्पायरोगायरा है वो इसमें रिप्रोड्यूस हो जाता है। एज इट्स मैच्योरिंग एज इट्स बॉडी गेट कट इंटू नंबर ऑफ पीसीस number of pieces then each pieces grow to form new spirogyra। new spirogyra okay guys हम बोलते हैं इसके अंदर It does not have special cell. Not have special cell. इसके पास कोई specialized cell नहीं होती है। Okay, अब इसमें process जो होता है वो किस प्रकार का होता है हम इसमें इसकी structure से आपको बताते हैं भाई। Fragmentation इसमें किस प्रकार से take place होता है। गाइज हम स्पायरोगायरा का स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत अच्छे से ये स्ट्रक्चर ड्रा करना है और क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है तो हम इसके अंदर जो ग्रीन कलर की शेडिंग है वो इसमें ड्रॉ कर देते हैं। स्पायरोगायरा होता है। अब क्या होता है कि जो स्पायरोगायरा होता है इसका जो बॉडी पार्ट होता है इसके अंदर क्या मैच्योरिंग जब इसके सेल मैच्योर हो जाते हैं तो ये क्या होता है टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, टू और मोर पार्ट्स में डिवाइड होता है। जितने भी पार्ट्स के अंदर ये डिवाइड होता है उतने ही नए जो स्पायरोगायरा होते हैं वो इसके अंदर प्रोड्यूस हो जाते हैं।
इस प्रकार से जो स्पाइर वगैरह है टू पार्ट्स के अंदर यहाँ पे हमने दिखा दिया है, ये टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो गया है गाइस, दो से अधिक भी पार्ट्स के अंदर ही डिवाइड हो सकता है। मीन्स जितने भी पार्ट्स के अंदर स्पाइर वगैरह अपने आप को डिवाइड करता है उतने ही नए स्पाइर वगैरह जो ओरिजिन होते हैं वो इसमें ग्रो हो जाते हैं। और ये जो प्रोसेस होता है ये कब टेक प्लेस होता है गाइस, जब स्पाइर वगैरह के सेल कंप्लीट मैच्योर हो जाते हैं तो ऑन मैच्योरेशन स्पाइरोगायरा बॉडी पार्ट्स गेट कट इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रो टू फॉर्म न्यू डॉटर स्पाइरोगायरा। ओके गाइस, अब जो इसके अंदर दो ये जो स्पाइरोगायरा बने हैं इन दोनों स्पाइरोगायरा से नए जो स्पाइरोगायरा जो डॉटर स्पाइरोगायरा होते हैं वो इसमें ग्रो कर जाते हैं। तो गाइस ये हमारे पास प्रोसेस था रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन जो होता है इसको हम रिप्रोडक्शन बोल सकते हैं। ये रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है, क्यों है, क्योंकि इसमें जो ये प्रोसेस होता है जो इसमें एक जो पेरेंट स्पाइरोगायरा है जब वो टू और मोर पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है तो गाइज वो ऑन मैच्योरेशन जब सेल मैच्योर हो जाते हैं तो उसके बाद डिवाइड होता है। ये ऑटोमेटिक होने वाला प्रोसेस नहीं है। मीन्स ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस को पसेस करने के लिए ही ये टेक प्लेस होता है। ओके गाइस, अब हम पढ़ लेते हैं कि जो रीजनरेशन है और जो फ्रेगमेंटेशन है उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो गाइस रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन डिफरेंस पढ़ेंगे इसके अंदर। तो जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा है वो सब इसके अंदर डिफरेंस के अंदर मेंशन करेंगे भाई। तो रीजनरेशन के विषय में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि वो एक ऑटोमेटिक होने वाला प्रोसेस होता है जिसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं बाय एक्सीडेंटली। डिफरेंसेस बिटवीन रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन के बीच में डिफरेंस। सो गाइस यहां पर इधर ले लेते हैं हम रीजनरेशन। एंड हियर फ्रेगमेंटेशन, पहला तो जो हम डिफरेंस है इनकी डेफिनेशन का ही दे देते हैं। रीजनरेशन के अंदर इन दिस प्रोसेस द बॉडी ऑफ an organism get cut by accidentally और गाइज इसके अंदर जो हमारे पास ये प्रोसेस होता है फ्रेगमेंटेशन का, इसके अंदर the breaking of body of an organisms into small fragment fragment on maturing the cell जब mature हो जाता है तो उसके बाद जो body होती है वो small fragments के अंदर divide हो जाती है। second part हम इसके अंदर discuss करते हैं कि जो regeneration है उसमें जो organs होते हैं उनके पास क्या होते हैं special cell होती हैं।
Down comes organisms reproduce from its cut body part by special cell, स्पेशलाइज्ड जो इसमें सेल होते हैं उनसे ये रिप्रोड्यूस होते हैं। और जबकि इसमें हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन के अंदर देर आर नो स्पेशलाइज्ड सेल, देर आर नो स्पेशलाइज्ड, देर आर नो स्पेशलाइज्ड सेल इन एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट प्रोसेस में हम बोलेंगे गाइस इसमें थर्ड इट इज नॉट अकर एज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। और गाइस जबकि जो फ्रेगमेंटेशन होता है ये हमारे पास रिप्रोडक्शन ही कहलाता है। इट इज कंसिडर्ड एज रिप्रोडक्शन, मीन्स इट अकर for the purpose of reproduction, for the purpose of reproduction। Fourth part, for example रिजर्वेशन के अंदर फॉर एग्जांपल हम लेते हैं प्लेनेरिया एंड हाइड्रा एंड जो फ्रेगमेंटेशन हमारे पास है उसका जो एग्जांपल है फॉर एग्जांपल स्पाइरोवेरा and sea anemone, sea anemone। So guys हमने जो आज की वीडियो इसमें जाना कि किस प्रकार से रिजर्वेशन के द्वारा नए ऑर्गेनम्स रिप्रोड्यूस होते हैं और कैसे फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नए ऑर्गेनम्स रिप्रोड्यूस होते हैं। तो गाइस रीजनरेशन को हमने बोला कि ये रिप्रोडक्शन का एक प्रकार से पार्ट नहीं है क्योंकि रिप्रोडक्शन की पर्पज से इसमें जो फ्रेगमेंटेशन जो बॉडी पार्ट्स कट होती है वो टेक प्लेस नहीं होते। जैसे कि हम बात करें कि जो वो लिजार्ड होती है वो लिजार्ड की जो टेल है वो समहाउ एक्सीडेंटली उसकी जो टेल है वो कट जाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो टेल है वो क्या करेगी वो उससे एक नई जो लिजार्ड है वो उसमें रिजनरेट कर देगी, ऐसा नहीं होता है। जबकि जो लिजार्ड होती है उसके जो नई जो टेल होती है जो कट जो लॉस्ट पार्ट होता है वो उसमें रिजनरेट हो जाता है। सो इसके अंदर एक लिजार्ड से दो लिजार्ड नहीं बनती है। ओके गाइस तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है ये रिप्रोडक्शन की पर्पज से टेक प्लेस नहीं होता है। ओके गाइस सो आज की हमारी जो वीडियो है गाइस यदि आप लोगों को अच्छी लगे पसंद आए तो गाइस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।